मोहनलालगंज लखनऊ के व्यापारियों ने किया मेड इन चाइना का बहिष्कार। मनाया जा रहा है राहुल गांधी का जन्मदिन, अखिलेश यादव ने दी बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया गन्ना किसानों का बकाया 1,00,000 करोड़ रुपए का भुगतान। 100 को घसीटने के मामले में अब राज्यपाल धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजी चिट्ठी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, 5:00 होगी मतों की गिनती। मोदी ने 2 घंटे तक जाना काशी का हाल, बोले लॉकडाउन के बाद विकास कार्यों में लाए तेजी। लापरवाही की हदें पार कर गई थी चीनी कंपनी, 4 साल में 20% ही पूरा किया काम। जौनपुर के अस्थाई जेल से 2 बंदी हुए फरार, सुरक्षा कर्मियों के फूले हाथ पांव, खोजबीन शुरू। रातभर बारिश से सारे दावे हो गए फेल, धसी सड़कों पे फंसे वाहन घरों के अंदर तक लबालब पानी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की महापौर ने दी कोरोना को मात, कहा योग से मिली लड़ने की ताकत।